नमस्कार, 11 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत मऊ से खबर, जहां से बड़ी खबर आ रही है दीवार हादसे से जुड़ी हुई। इस मामले में दो लोगों की अब गिरफ्तारी हो गई है। मकान मालिक गिरफ्तार हुआ है। घोसी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दो बच्चों समेत पांच महिलाओं की इसमें मौत हुई है। घोसी कोतवाली अंतर्गत का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर अब इस पूरे मामले में दो लोगों की गिरफ्तारी की गई है। मकान मालिक गिरफ्तार कर लिया गया है। घोसी कोतवाली में इस को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। हम आपको बता दें, जो सात लोग मरे हैं उसमें दो बच्चे समेत पांच महिलाएं शामिल हैं। मौत के बाद अब लगातार इसमें गिरफ्तारी हो रही है। दो गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। जिस मकान के दीवार गिरी है उस मकान के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मऊ दीवार हादसे में सीएम योगी की तरफ से मदद की भी घोषणा की गई है। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद के निर्देश दिए हैं। घायलों को भी सीएम योगी ने 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने को कहा है। सीएम ने घायलों के समुचित इलाज कराने के निर्देश भी दे दिए हैं। मृतकों की संख्या अब बढ़कर 7 हो गई है, जिसमें दो बच्चे और 5 महिलाएं शामिल है, जबकि 21 महिलाएं इस वक्त भी ट्रॉमा सेंटर में रेफर की गई हैं, जिनका इस वक्त इलाज चल रहा है। जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रेट जांच के इस पूरे मामले को लेकर आदेश दिए हैं। हम आपको बता दें कि हल्दी रस्म में जा रही महिलाओं के ऊपर दीवार गिरी थी और सभी की हालत इस वक्त गंभीर बनी हुई, जो ट्रॉमा सेंटर में है। मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। याद नहीं है, मैं बेहोश हो गई थी। तो फिर कितने लोग थे आपके साथ में? ज्यादा लोग थे, घर के भी थे और रिलेटिव्स भी थे सारे। अच्छा, दीवार कैसे गिर गई? ऊपर लोग चढ़े थे? नहीं आता एकदम। आप उसमें दब गई थी? डीजे वजे भी बज रहा था, ढोलक थे। अच्छा, कितने महिलाएं लमसम शामिल हुई थी? 50-60। पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, आप खबर आ रही है कि दो की गिरफ्तारी हुई है, कौन है ये दो लोग? जी देखिए, घोसी कोतवाली में जो हादसा हुआ है उसमें दो लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। जो दीवार के जो मालिक थे, पिता पुत्र दोनों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ घोसी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हालांकि दोनों को गिरफ्तार करके थाने लाया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और जो दीवार था उसका पूरा जांच पड़ताल किया जा रहा है। हालांकि पूरे मामले में सात लोगों की मौत हो गई है, जिसमें दो बच्चे 5 महिलाएं शामिल है और पूरे मामले में लगातार मजिस्ट्रेट जांच की जा रही है। उप जिला अधिकारी समेत सारे अधिकारी जिला अस्पताल पर मौजूद है और उस पर मॉनिटरिंग की जा रही है। हालांकि जिला अस्पताल में भी गंदगी का अंबार है, मरीज परेशान है, उनका उपचार सही ढंग से नहीं हो रहा है उनका कहना है। और लगातार पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस पूरे मामले में संज्ञान लिए हुए हैं और लगातार अपडेट ले रहे हैं और घायलों को उपचार के लिए जिला प्रशासन और सबको आदेश भी दे दिए हैं। जितने भी खर्च आएंगे सरकार उठाएगी और उनको 2-2 लाख रुपए मृतकों के परिवार को देने का ऐलान किया गया है। साथ ही घायलों को 50-50 हजार रुपए का सीएम की तरफ से आदेश कर दिया गया है। चलिए ठीक है अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो इस पूरे मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके मकान की दीवार गिरी, यानी पिता पुत्र दोनों की गिरफ्तारी अब कर ली गई है। और मऊ से की खबर, जहां पर दो ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। इस घटना में पास में रखे 6 ट्रांसफार्मर में भी आग की चपेट में आ गया। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कोपागंज थाना क्षेत्र के मेन मार्केट में ये आग लगी, जिससे वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में बिजली इस वक्त गुल है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो 6 और ट्रांसफार्मर चपेट में आए, एक में आग लगी लेकिन उसके बगल में कई और ट्रांसफार्मर थे, जिसके जलने के बाद अब इलाके में इस वक्त बिजली गुल है। लोगों को इसे लेकर काफी परेशानी हो रही है। दमकल की गाड़ियों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक ट्रांसफार्मर में आग लगी। मऊ का ये पूरा मामला है, लेकिन उसके बगल में दो ट्रांसफार्मर जलकर राख हो गए, उसके बगल में कुछ और ट्रांसफार्मर रखे हुए थे, इसमें भी आग लग गई, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। एकदम आप देख सकते हैं कि गलियों के बीच में ही ये ट्रांसफार्मर था। बाद में किसी तरह से दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया, फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर मौके पर पहुंची है और तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका है। लेकिन इस वक्त इलाके की बत्ती गुल है और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।